हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यार, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने सोनी A7 III कैमरा का फॉर्मवेयर कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि कैमरा ले लिया है एंड उसके बाद वो फॉर्मवेयर अपग्रेड नहीं करते हैं एंड कई अच्छे फीचर्स रह जाते हैं। जैसे मैंने सोनी A7 III जब लिया था तो इसके अंदर एक फॉर्मवेयर अपग्रेड 3.21 शायद था, वो नहीं करा हुआ था। और उस फॉर्मवेयर अपग्रेड में सोनी ने आई ऑटो फोकस की फंक्शनैलिटी दे दी थी। अभी मेरा फॉर्मवेयर वर्जन चल रहा है, वो लेटेस्ट चल रहा था अब तक का। आप देख सकते हो इसमें वर्जन दिखा रहा है 4.00 एंड सोनी ने अभी अभी अपना नया वर्जन लॉन्च करा है 4.01। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए दो रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो आपकी जो बैटरी है वो फुली चार्ज होना चाहिए, क्योंकि अपग्रेड में अगर टाइम लगता है और आपकी बैटरी कम है तो वो मिड वे में रुक जाएगा। हमने सेटिंग में जाना है और ये जो USB कनेक्शन है ये हमारा मास स्टोरेज होना चाहिए। अभी कह रहा है कि दिस फंक्शनल सेटिंग नॉट अवेलेबल एज फॉलोज, कंट्रोल वाया स्मार्टफोन इज ऑन। कोई बात नहीं, हम इस सेटिंग को जाके ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल विद स्मार्टफोन पे गए, हमने कंट्रोल विद स्मार्टफोन को ऑफ कर देना है, डन। इसके बाद हम वापस मेन्यू में गए, USB कनेक्शन, मास स्टोरेज। अगर कुछ भी और सेलेक्टेड है, ऑटो है या कुछ भी है, हमने इसको मास स्टोरेज सेलेक्ट करना है, ये इसकी प्राइमरी कंडीशन है। हमारा वर्जन 4 है तो हम इसको 4.01 पे अपग्रेड कर सकते हैं। ये इसका इस तरफ USB कनेक्शन है, टाइप सी केबल है। तो ये जो मेरी केबल है मेरे PC से कनेक्टेड है तो मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो इसमें USB मास स्टोरेज लिखा हुआ आ जाएगा। दैट मीन्स आपका जो कैमरा है वो मास स्टोरेज मोड में कनेक्ट हो चुका है। सो गाइस, वेरी सिंपल, आपने देखा कि जो हमने प्रोग्राम डाउनलोड करा है, जो फॉर्मवेयर डाउनलोड करा है, उसको आपने रन करना है। और जब रन करोगे तो आपने अपने कैमरे को मास स्टोरेज मोड में वाया USB टाइप सी केबल कनेक्ट कर देना है अपने लैपटॉप के कंप्यूटर के USB पोर्ट से। एंड उसके बाद आपको जो ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं उनको जस्ट फॉलो करना है। इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट वो वर्जन चेक करेगा कि आपके कैमरे का वर्जन क्या है और नेक्स्ट वर्जन क्या है। अगर वर्जन 4.01 ही है, जो वर्जन पे आप अपडेट करना चाह रहे हो वही है, तो वहीं रुक जाएगा। कुछ नहीं करना, कैमरा डिस्कनेक्ट करना है एंड दैट्स इट, क्योंकि आपका कैमरा पहले से ही अपडेटेड है। एंड अगर नहीं है तो वो अपडेट को रन करेगा। जैसा कि मेरे कैमरे में वर्जन 4 था और 4.01 में मैंने अपडेट किया तो मेरे को उसने दिखाया है स्क्रीन पे कि आपका वर्जन 4 है एंड मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ 4.01 पर। दैट्स इट, अपडेट चल रहा है। एंड अपडेट चलने के बाद एक बार कैमरा रीसेट हो जाएगा, ऑन ऑफ होगा, विच इज़ वेरी नॉर्मल। सो द अपडेट प्रोसेस हैज़ बीन कम्प्लीटेड, तो ख़त्म हो गया। और ये आप देख सकते हैं हमारा कैमरा अपने आप रीस्टार्ट हुआ है। अभी फिनिश द अपडेट एंड दैट्स इट, आपने यहाँ पे फिनिश क्लिक कर देना है, डन। और सेटिंग में जाके लास्ट ऑप्शन इज आई गेस वर्जन एंड इट्स 4.01, इट्स दैट सिंपल। तो यार, अगर आप चाहते हो कि आपका कैमरा ऑप्टिमम कंडीशन में काम करता रहे तो आप अगर फॉर्मवेयर अपडेट करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंपनी ने कैमरा लॉन्च करा एंड उसके बाद उसके अंदर कुछ बग्स होते हैं जो कंपनी अपने फॉर्मवेयर अपडेट के थ्रू इनको आयरन आउट करती है, कुछ नई फंक्शनैलिटी नए अपडेट के थ्रू देती है। सो आई जस्ट होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड मे बी आपके काम आएगा। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ऐसे वीडियोज हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड एंजॉय।